देवस्थानम बोर्ड जिसका जिक्र अभी हो रहा था, देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज आपको ये बता दें कि चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत दून में सभी कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव करने वाले हैं। इसके साथ ही 27 नवंबर को बोर्ड गठन के 2 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाते हुए सचिवालय का भी कूच किया जाएगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से चारों धामों के पूजा स्थल के साथ ही देहरादून में क्रमिक अनशन होगा। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। तीर्थ पुरोहित इसे लगातार भंग करने की मांग करते आ रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई ना होने से नाराज तीर्थ पुरोहितों ने यह फैसला लिया कि गांधी रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी महापंचायत की बैठक भी करते नजर आए थे और इसमें चारों धामों के तीर्थ पुरोहित शामिल हुए थे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से मंत्रियों के आवास घेरने की तैयारी है, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? मेरे सहयोगी ने बता रहे हैं कि जिस तरह की जो कैबिनेट की बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक पर कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित है उनकी टकटकी लगी है कि आज जो कैबिनेट होगी कहीं उनके हित में कोई फैसला आ सकता है। लिहाजा जो 27 नवंबर को यानी कि बोर्ड गठन के 2 साल हो जाएंगे, 2 साल में जो बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे, अब तक देवस्थान बोर्ड भंग नहीं हो पाए, जिसके आज तमाम जो पुरोहित समाज है, आज यहाँ पर जो तमाम मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, विधायक है, तमाम वहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसे में 27 नवंबर का जो दिन होगा उस दिन वो काला दिवस इसको माना नहीं जा रहे। और पूरे ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अभी आगामी 7 और 8 दिसंबर विधानसभा का सत्र भी होना था, ऐसे में कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित समाज है, पंडा समाज है, वो यहाँ पर एक रणनीति बना रहे हैं कि उनके उनके हित में फैसला नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो गैर सैन्य भराड़ी सैन्य जो विधानसभा का सत्र होना है, सरकार का अंतिम सत्र होना है, उस दिन जो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।